आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। दोस्तों शिक्षा मित्रों, अंधेशकों और रसोइयों के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, शिक्षा मित्रों, अंधेशकों और रसोइयों को मिल सकता है मानदेय वृद्धि का तोहफा। लखनऊ से खबर है, प्रदेश के 140,000 शिक्षा मित्रों, 25,000 अंधेशकों और रसोइयों को दीपावली से पहले मानदेय वृद्धि का तोहफा मिल सकता है। मंगलवार को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी के साथ विभिन्न संगठनों की बैठक हुई और इस पर सकारात्मक सहमति बन गई है। मंत्री जी ने कहा है कि जल्द ही इसका प्रस्ताव सीएम के सामने रखा जाएगा। विधान भवन स्थित मंत्री जी के कार्यालय में हुई वार्ता में शिक्षा मित्र संगठनों ने मूल विद्यालय वापसी, मेडिकल सुविधा व मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों के समायोजन की मांग की। इस पर मंत्री जी ने कहा कि मूल विद्यालय में वापसी पर जल्द निर्णय होगा। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला व महामंत्री सुशील कुमार ने बताया कि मृत शिक्षा मित्रों के परिजनों को भी आंगनबाड़ी में समायोजित करने पर विचार किया जाएगा। आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन के विश्वनाथ सिंह कुशवाहा व उमेश कुमार पांडे ने शिक्षा मित्रों को 12 माह का मानदेय देने, शिक्षक की योग्यता पूरी करने वाले शिक्षा मित्रों को अतिरिक्त छूट देने की मांग उठाई। इस पर मंत्री जी ने मुख्यमंत्री जी से मिलकर समाधान की बात कही। परिषदी अनुदेशक कल्याण एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह ने बताया है कि अनुदेशकों का मानदेय बढ़ाने, 12 माह का मानदेय नवीनीकरण के नाम पर शोषण रोकने, अनुदेशकों के तबादले सीएल व सीसीएल देने पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा MKS सुंदरम, महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी के साथ साथ निदेशक बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल जी भी शामिल हुए। और इस बैठक के बाद दोस्तों ये देखने वाली बात होगी कि क्या इन लोगों को नया बढ़ा हुआ मानदेय दीपावली के पहले ये खुशियां मिल पाती हैं या फिर पूर्व की घोषणाओं की भांति ये भी घोषणाओं तक ही सीमित रह जाता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगली खबर को। राज्य कर्मी दीपावली से पहले बोनस पाएंगे, योगी सरकार इसी सप्ताह कर सकती है ऐलान। केंद्रीय कर्मचारियों के दीपावली से पहले बोनस मिलने की घोषणा के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार भी अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की तैयारी में है। बोनस दिए जाने से संबंधित पत्रावली वित्त विभाग तैयार कर चुका है। इसी सप्ताह राज्य सरकार की तरफ से बोनस दिए जाने की घोषणा की जा सकती है। पूर्व के वर्षों की भांति इस साल अधिकतम 7,000 रुपए तक बोनस देने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक बोनस की पत्रावली तैयार करने के बाद वित्त विभाग अब इस पर राज्य सरकार की सहमति लेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सहमति के बाद बोनस का आदेश जारी होगा। बोनस का लाभ करीब 14.82 लाख कर्मचारी पाएंगे। बोनस देने पर सरकार के खजाने में 1,025 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय भार आने की संभावना है। 8 साल से लटकी प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति, जल्द पदोन्नति के लिए नई नीति करीब करीब तय। लखनऊ से खबर है, प्रदेश के प्राइमरी शिक्षकों की पदोन्नति के लिए नई शिक्षा नीति करीब करीब तय हो चुकी है। बेसिक शिक्षा विभाग इसे शीघ्र ही अंतिम रूप देकर शासन को भेजने की तैयारी में है। शासन की मुहर लगते ही इसे जारी किया जाएगा। इससे करीब 2 लाख शिक्षकों को लाभ होगा। यह पदोन्नति हर 3 साल पर होगी। नई नीति प्रभावी होने के बाद स्कूल शिक्षा महानिदेशक द्वारा बनाए गए मानकों को पूरा करने वाले उसी स्कूल में प्रधानाध्यापक बन सकेंगे। शिक्षकों की पदोन्नति भी हर 3 साल पर होगी। अभी शिक्षकों को 5 साल के बाद पदोन्नति मिलती है। तो दोस्तों इस खबर को आपने अखबारों में भी पढ़ा होगा, प्रमुखता से ये खबर प्रकाशित की गई थी। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि 2 लाख शिक्षकों की पदोन्नति की यहाँ बात की जा रही है, और साथ ही सवाल ये भी खड़ा होता है कि जो मैटर कोर्ट में पदोन्नति को लेकर है, क्या वो सुलझ गए हैं? ये बड़ा सवाल यहाँ बनता है। और यहाँ पे एक बात और कही जा रही है, नई पदोन्नति नीति लाने की। तो वो नीति क्या होगी, ये आने वाला वक्त तय करेगा कि उस नीति में क्या निर्धारित किया जाता है और कितने शिक्षक उस नीति के तहत पदोन्नति के पात्र होंगे। लेकिन दोस्तों ये इंतजार करना होगा कि ये इनकी पदोन्नति नीति जो नई आने वाली है उसमें क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं। तो दोस्तों जो भी अपडेट होगा हम आपको अपडेट करते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी अपडेट होगा आपको यहाँ से मिलता रहेगा। आइए दोस्तों देखते हैं अगली खबर को। अब परिषदीय स्कूलों के छात्रों का रिजल्ट भी होगा ऑनलाइन, विद्यार्थियों का परिणाम प्रेडा पोर्टल पर होगा अपलोड। यूपी में अब परिषदीय प्राथमिक स्कूलों व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे सभी छात्रों का परीक्षा परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध होगा। प्रेडा पोर्टल पर सभी विद्यालयों के विद्यार्थियों का परिणाम अपलोड किया जाएगा। छात्रों का परीक्षा परिणाम आसानी से ऑनलाइन देखा जा सकेगा। विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से प्रत्येक स्कूल के रिजल्ट का विश्लेषण किया जाएगा। खराब प्रदर्शन करने वाले स्कूलों के रिजल्ट में सुधार के लिए उपाय किए जाएंगे। तो दोस्तों आइए सीधे हम आपको प्रेरणा पोर्टल पर ले चलते हैं और वो ऑप्शन आपको दिखाते हैं जहां पर छात्रों का रिजल्ट आपको अपलोड करना होगा। तो आइए सीधे प्रेरणा पोर्टल पर चलते हैं। दोस्तों जब आपको प्रेरणा पोर्टल पर लॉगिन करना होता है तो ऐसे में गूगल के सर्च बार में आप टाइप करते हैं prerna.up.in और उसके बाद सर्च करने के बाद मिशन प्रेरणा वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP प्राप्त करते हैं तो उसको डालकर और यहाँ होम पेज पे प्रेरणा पोर्टल के आप लॉगिन हो जाते हैं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब दोस्तों सिंपली इस पेज पे आपको नीचे की तरफ आना है, इस पेज को स्क्रॉल करके ऊपर तरफ करना है और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं थोड़ा
करेंगे इस पेज को तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा आपको फेल स्टूडेंट एग्जाम डाटा। तो ऐसे में यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो जो नेक्स्ट पेज होगा कुछ इस प्रकार से होगा, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ओपन हो चुका है। फिर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ हर स्टूडेंट के सामने आप देखेंगे तो आपको विकल्प मिल जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं फर्स्ट टर्म्स एग्जाम के लिए ऑप्शन है, इसके अलावा सेकेंड टर्म्स एग्जाम के लिए है और हाफ ईयरली एग्जाम के है, और फिर लास्ट में आप देखेंगे तो ईयरली एग्जाम के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो इस तरह से हर स्टूडेंट के सामने जो भी इनके मार्क्स होंगे यहाँ पे आपको पोर्टल पे ही अपडेट करना होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप समझ पाए होंगे कि प्रेरणा पोर्टल पर बच्चों के ये डेटा किस प्रकार से फिल करेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण स्वरूप देख ले, यहाँ फर्स्ट टर्म एग्जाम को हम क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से ऑप्शन आएगा और यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सब्जेक्ट दिया गया है। इसके अलावा सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है कि कितने नंबर आपको देने हैं। यहाँ सेलेक्ट वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नंबर देने के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप सारे डाटा बच्चों के यहाँ पे ऑनलाइन प्रेरणा पोर्टल पर फिल करेंगे। तो दोस्तों ये रहे अब तक के मुख्य समाचार। वीडियो चली गई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऑल वाले ऑप्शन के साथ, ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।